हेलो एवरीवन, दिस इज़ किरण। वेलकम बैक टू माय चैनल। मार्केट में मिलने वाले बर्गर बन बहुत ही थिक होते हैं, जिससे कि उन्हें खाने में बहुत ही डिफ़िकल्टी होती है। इसीलिए आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप आसानी से घर पर छोटे साइज़ के बर्गर बन कैसे बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ईस्ट एक्टिवेट करेंगे और इसके लिए एक बोल में हम लेंगे हाफ कप गुनगुना पानी और इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून शुगर। यहाँ मैं पाउडर शुगर का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो दानेदार शुगर इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून इंस्टेंट ड्राई ईस्ट, हल्का सा मिक्स करेंगे और अब इसे ढककर 10 मिनट के लिए एक्टिवेट होने के लिए छोड़ देंगे। और अब एक दूसरे बोल में हम लेंगे 2 कप मैदा और अब इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून शुगर, 3 टेबल स्पून मिल्क पाउडर हाफ टी स्पून सॉल्ट। अब इसे मिक्स करेंगे, 10 मिनट हो चुके हैं तो अब इसमें हम ऐड कर देंगे हमारा ईस्ट। ये देखिए कितना बढ़िया ईस्ट एक्टिवेट हो चुका है, इसे हम हमारे मिक्सचर में ऐड कर देंगे। और अब हाथों से एक सॉफ्ट डो रेडी करेंगे। इसके लिए इसमें हम जितना चाहें पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पानी आपको गुनगुना इस्तेमाल करना है, ठंडे पानी में इसे नहीं गूंदना है। अभी हमारा डो बहुत स्टिकी है, इसलिए अब इसमें हम बटर ऐड कर देंगे। हमें टोटल 2 टेबल स्पून बटर इसमें ऐड करना है। हमारा डो रेडी है और अब इसे ढककर हम 1 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। 1 घंटा हो चुका है और देखिए हमारा डो कितना फूल चुका है, ये वॉल्यूम में ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। अब इसे हम पंचर करेंगे और दोबारा से 4 से 5 मिनट के लिए इसे गूंदेंगे। डो को गूंदते वक्त आप चाहें तो हाथों पर थोड़ा सा बटर या घी इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम डो को इक्वली 6 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। और अब हर एक पार्ट को इस तरीके से हम बन का शेप देंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। एक बन मैं आपको कढ़ाई में बेक कर दिखाने वाली हूँ, इसलिए कढ़ाई के लिए मैंने एक छोटी सी प्लेट तैयार कर ली है, जिस पर भी मैंने एल्युमिनियम फॉइल बिछा ली है और थोड़ा सा घी भी अप्लाई किया है। सभी बन रेडी हो चुके हैं, अब इन पर हम बटर अप्लाई कर देंगे। और इन्हें अब हम 30 मिनट्स के लिए और छोड़ देंगे। 30 मिनट्स हो चुके हैं, देखिए हमारे बन काफ़ी फूल चुके हैं। अब इन पर हम मिल्क वॉश अप्लाई करेंगे। इसके लिए आप थोड़े से मिल्क में थोड़ी सी शुगर ऐड कर लें और ब्रश की हेल्प से इस तरह बन पर अप्लाई कर दें। इसके बाद थोड़े थोड़े से आप इन पर तिल स्प्रिंकल कर लें। सभी बन रेडी है और इन्हें अब हम बेक करेंगे। कढ़ाई में इन्हें बेक होने के लिए 30 मिनट्स लगेंगे और हम मीडियम फ्लेम पर इन्हें बेक करेंगे। अवन में बेक करने के लिए हम इन्हें 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। तो देखिए सभी बन बेक हो चुके हैं, कितने बढ़िया बेक हुए हैं ये। अब इन पर हम बटर अप्लाई करेंगे और अब इन्हें गीले कपड़े से हम ढककर 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ देंगे। इस प्रोसेस से बन काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, उनकी क्रस्ट भी काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है, तो ये बहुत ही ज़रूरी स्टेप है, तो इसे स्किप मत कीजिएगा।
ऑलमोस्ट 2 घंटे हो चुके हैं और अब हम बन को निकाल लेंगे। तो देखिए कितने सॉफ्ट बन बने हैं। एक बन मैं आपको काट कर दिखाती हूँ। तो देखिए कितने बढ़िया बन बने हैं। तो यदि आपको अब मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।